मैं अजय शर्मा अपने होशो हवास में लिख रहा हूँ। मैं सीमा चोपड़ा अपने होशो हवास में लिख रही हूँ कि मैं किसी के दबाव में ना आते हुए और अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रही हूँ। सीमा ने आत्महत्या नहीं की थी। ये तुम कैसे कह सकती हो जबकि उसके हाथ का लिखा हुआ सुसाइड नोट तुमने खुद देखा है। ये तो सीमा का लिखा हुआ है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कातिल बहुत चालाक है प्रिया। उसने रवि और सीमा को मारने में एक ही हथियार का सहारा लिया, सुसाइड नोट। सीमा के बारे में जिसने भी खबर देनी चाहिए वो मारा गया। रवि तुम्हें सीमा के कातिल की तस्वीर दिखाना चाहता था और बाबूलाल के कहने के मुताबिक अंजलि भी सीमा के बारे में कुछ बताना चाहती थी। तो फिर कातिल कौन हो सकता है? कातिल जो भी हो, लेकिन वो तुम्हारी हर बात की खबर रखता है। खैर, वो चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। मैं तुम्हारी हर चाल और तुम्हारे हर मोहरे को जान गया। आज से 3 साल पहले बेंगलोर में जो एयर क्रैश हुआ था जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए थे, उसमें मेरे मां बाप भी थे। विक्की मल्होत्रा इसका नहीं, मेरा नाम है। ये झूठ बोल रहा है, समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को विक्की मल्होत्रा क्यों कहता है। मुझे माफ कर,